पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ वो हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। यूएन के मंच पर खड़े होकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को डायरेक्ट वार्निंग दी है। कल शहबाज ने कहा कि भारत पीओके छीनने की तैयारी कर रहा है और आज जयशंकर ने बताया कि हाँ, पाकिस्तान को अब पीओके खाली करना है। जयशंकर और योगी ने मिलकर पाकिस्तान का डर बढ़ा दिया है। टंकी की चोट पर ऐलान हो गया है कि पीओके लेकर रहेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच हल किया जाने वाला मुद्दा अब पाकिस्तान के अवैध तरीके से कब्जाए भारतीय इलाके को खाली करना है। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर नमस्कार कहने के बाद जयशंकर ने पाकिस्तान की धुलाई शुरू कर दी। विदेश मंत्री ने क्लियर कर दिया कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ पीओके का मुद्दा बचा है और पाकिस्तान को सीमा पार का कश्मीर खाली करना पड़ेगा। जयशंकर की बातों का मतलब यह है कि योगी ने जम्मू कश्मीर में जो कहा था वो सिर्फ चुनावी भाषण नहीं था। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है। वादी कहता है कि हमें अब पाकिस्तानी हुकूमत के साथ नहीं रहना है। यहां भूखो मरने से अच्छा है कि हम जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा बनेंगे और अखंड भारत के सपने को साकार बनने में सहभागी बनेंगे। योगी ने चुनावी रैली में जो कहा वही ऐलान यूएन में जयशंकर ने किया। इन दोनों लीडर्स की बातों का मतलब यह है कि पीओके पर मोदी सरकार ने अंतिम फैसला कर लिया है। शहबाज शरीफ के भाषण देने के अगले दिन उसी मंच पर जयशंकर आए और शहबाज शरीफ का नाम लिए बिना ही तोप के गोले जैसा जवाब दे दिया। We heard some bizarre assertions from it at this very forum yesterday. हमने कल इस स्टेज पर कुछ अजीबोगरीब दावे सुने। मैं भारत की स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता हूँ। पाकिस्तान की सीमा पार आतंकी नीति कभी सफल नहीं होगी और उसे सजा से बचने की कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। उल्टे काम के परिणाम जरूर सामने आएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच हल किया जाने वाला मुद्दा अब पाकिस्तान के अवैध तरीके से कब्जाए भारतीय इलाके पीओके को खाली करना है। द इशू टू बी रिजॉल्व्ड बिटवीन अस इज नाउ ओनली द वैकेशन ऑफ इलीगली ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी बाय पाकिस्तान। सरकार का एजेंडा जयशंकर ने यूएन के मंच पर जारी कर दिया और पाकिस्तान देखता रह गया। हैरान करने वाली बात यह है कि कल शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत लगातार एलओसी पार करने की धमकी देता है और जयशंकर ने यूएन की उसी असेंबली में कहा भारत पीओके वापस लेकर रहेगा। पाकिस्तान की हिम्मत है तो कुछ करके दिखाए। परफेक्टली क्लियर। इवन मोर वरिंगली इट इज एंगेज्ड इन मैसिव एक्सपेंशन। भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है जो निश्चित रूप से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। शहबाज का डर आपने सुन लिया। अब इसे जयशंकर के ऐलान और योगी की भविष्यवाणी से मैच करा लेते हैं। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान की जीडीपी को केवल कट्टरपंथ और आतंकवाद फैलाने के रूप में मापा जा सकता है और वो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। तो योगी ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान के तीन टुकड़े होने की बात रखी। ये पाकिस्तान प्रस्त आतंक भी जानते हैं कि आतंकवाद की कीमत पाकिस्तान को किस रूप में चुकानी पड़ेगी। तीन भागों में बढ़ जाएगा, पाकिस्तान का अता पता नहीं लगेगा। योगी की बातों का मतलब यह है कि तीन टुकड़े होने के बाद पाकिस्तान का अता पता नहीं रहेगा और फिर पीओके अपने आप ही भारत के साथ आ जाएगा। योगी ने झन्नाटेदार अंदाज में पाकिस्तान को उसी भाषा में समझाया जिसका असर पाकिस्तान पर सही तरीके से होता है। तो जयशंकर सीधे अंदाज में पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं जिसे बर्दाश्त करना शहबाज के लिए भी मुश्किल होगा। जयशंकर ने कहा कि कई देश जानबूझकर ऐसे फैसले लेते हैं जिनके परिणाम विनाशकारी होते हैं और पाकिस्तान इसका बेहतरीन उदाहरण है। वो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। 1947 में अपने गठन के बाद से पाकिस्तान सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। जयशंकर ने चुन चुन कर ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो तेज रफ्तार से इस्लामाबाद तक पहुँच गए। जयशंकर ने अपनी तकरीर के दौरान पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसकी मईशत के बारे में कहा कि ये इनके करतूतों का फल है। वो कह रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि ये करतूतों का फल है, ये जो मईशत आपकी खराब है ना, जो आप जगह जगह कशकोल लेकर मांगते फिर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि करतूतों का फल है भाई,
ये करतूतों का फल इनको मिल रहा है, तो शिवाज शरीफ साहब तो बहुत नाराज हो रहे होंगे ये देख देख के और पढ़ के। पाकिस्तानी खुद ही अपने वजीर आजम शहबाज शरीफ का मजाक बना रहे हैं। वजह क्लियर है, शहबाज ने एक तरफ दुनिया भर में आतंकियों के लिए बैटिंग की और आजकल भीख का कटोरा लेकर भी दुनिया भर का चक्कर लगा चुके हैं, और योगी ने शहबाज के कटोरे पर भी निशाना लगाया। आज पाकिस्तान की हालत आप देख रहे होंगे, क्या हाल हो गए हैं पाकिस्तान में, भीख का कटोरा लेकर के घूम रहा है। बहनों और भाइयों, वहां की हुकूमत ने वहां के लोगों को कहां पहुंचा दिया है। पिछले कुछ सालों में यूएन में दिए जा रहे बयान बदल गए। एक वक्त था जब भारत की सरकार पाकिस्तानी आतंकियों को लेकर दुनिया के मंच पर शिकायत करती थी। पाकिस्तान आज भी आतंकी भेज रहा है, पर अब भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान शिकायत कर रहा है, और भारत के विदेश मंत्री एक्शन का ऐलान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।